नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरें और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम बड़ी खबरों के साथ। बारामूला के एसएसपी रईस मोहम्मद ने बताया है कि पतन इलाके में आज हथियारों के साथ पकड़े गए दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं और दोनों का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है और इन दोनों की पहचान आकिब मोहम्मद और दानिश अहमद दोनों निवासी सोपोर के रूप में की गई है और जिनके कब्जे से दो पिस्टल और दो पिस्टल मैगजीन और 10 राउंड और दो चाइनीज ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। देखिए, हमको आज सुबह ही ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ दो वहाँ पे मशकूक लोगों के अफराद की मूवमेंट है और इस गाड़ी को जो है, जिसके बारे में हमें इतला मिली थी, उसको ट्रैक किया गया और उसमें हमने जॉइंटली एक 29 आरआर जो आर्मी की है उसके साथ और सेकंड एसएसबी के साथ ये अरेस्ट हम कर पाए और इसके साथ साथ हमारी वहाँ पर जो सर्च हुई उसमें हमें जो है रिकवरी भी हुई, दो पिस्टल्स और दो ग्रेनेड्स, साथ साथ उनकी मैगजीन और कुछ असला इसका बरामद हुआ है। ये दो लोग जो इसमें अरेस्ट हुए हैं, एक का नाम वाकिफ है और दूसरे का नाम दानिश है, दोनों छान खान सोपोर के हैं और इनकी वाबस्तगी जो है वो जैश मोहम्मद टेररिस्ट ग्रुप के साथ सामने आई है अभी तक। देखिए, जैसे कि हमने कहा कि रिसेंट डेज में जब हमने देखा है कि नया एक फीचर आया है हाइब्रिड टेररिस्ट वाला, तो इनका जो वाबस्तगी है पिछले कई सालों से इसमें रही है, इस मामले में इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है और ये पहले भी बंद रहे हैं और ये विदाउट एक्टिवली जाहिर किए हुए इनकी इस ग्रुप की एक्टिविटीज चला रहे थे। जम्मू के साथ साथ सुबह के अन्य जिलों के लोग भी इन दिनों बिजली की भारी कटौती से जूझ रहे हैं, जिसका गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा है। वहीं तपती गर्मी के इस मौसम में अक्सर बत्ती गुल रहने से गुस्साए लोगों के सबर का पैमाना भी अब झलक उठा है, जो अब सड़कों पर उतर कर बिजली विभाग को खरी खोटी सुनाने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं जम्मू में आज अपनी पार्टी ने जहां इस कटौती के विरोध में बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर इस कटौती को बंद करने की मांग की है, वहीं विजयपुर में आम लोगों में दुकानदारों ने भी प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया है। उधर उधमपुर में भी कुछ सभासदों ने धार रोड पर धरना देकर बिजली और पानी कटौती पर विभागीय अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। कश्मीर अपनी पार्टी ने पुरमन मुजहरा रखा है। ये जो बिजली के कट्स लग रहे हैं पिछले एक महीने से, इतने भारी कट लग रहे हैं कि ना सुबह बिजली होती है ना रात को बिजली होती है, और बिजली नहीं होने की वजह से पीएचई डिपार्टमेंट कहता है बिजली नहीं, पानी कहाँ से दें, तो पूरा जम्मू सूबा त्राही त्राही कर रहा है। कश्मीर में भी बिजली की बहुत बुरी हालत है। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पुरमन तरीके से यहाँ पे बैठी है चीफ इंजीनियर और पीडीडी डिपार्टमेंट को जगाने के लिए कि भैया नींद से जागो, आप बिजली के बिल दे रहे हैं लेकिन बिजली नहीं दे रहे, उसके खिलाफ आज हम यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हैं और अगर जल्द इन्होंने सिस्टम ठीक नहीं किया तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लोगों के साथ सड़कों पे उतरेगी और उसकी जिम्मेवारी जो है वो सरकार की होगी। शहर में पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है और ये दो चीजें ऐसी हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर इंसान को मिलनी चाहिए और शहर के लोग इसके लिए बिजली का किराया भी दे रहे हैं, पानी का किराया भी दे रहे हैं। इसका मतलब सरकार को लोगों ने पानी, जितना पानी मिल रहा है उस हिसाब से पानी का किराया देना, जितनी बिजली मिल रही है अब लोगों ने 365 दिन का किराया नहीं देना, लोगों ने आधे आधे दिनों का किराया देना, चाहे वो बिजली का हो या पानी का। तो सरकार की ये जो बातें हैं बड़ी बड़ी, हर घर जल मिशन, ये तो शहर में पूरा नहीं हो रहा तो गांव में क्या है? गांव में तो लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं जो सरकार को दिखता नहीं है। तो सरकार के ये जो बड़े बड़े वादे हैं, बड़े बड़े बैनर्स में जो लगा के रखा है, वो एक्चुअली दिखावा है, दिखावा, क्योंकि सरकार दिखाना चाहती है कि हमने 100% अचीव कर लिया, पर मुझे लगता है सरकार ने 30% भी अचीव नहीं किया। जहाँ जो बिजली जो है, मैं कहता हूँ कि 2 घंटे इन्होंने कहा था कि 2 घंटे हम देंगे, 2 घंटे बंद करेंगे, वो भी लोगों ने मान लिया।
लेकिन लोग मानते नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने माना। पहले पिछले दवा 4 घंटे आती थी, 2 घंटे बांधती थी, लेकिन अब 2 घंटे आती है, 2 घंटे बांध रहती। जो 2 घंटे आती है वो भी रेगुलर नहीं आ रही, जिसकी वजह से समस्या समस्या, चाहे स्टूडेंट है, चाहे व्यापारी है, चाहे किसान है, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे बड़ा दुकान, हर वर्ग परेशान है। लेकिन अगर हमारा ये मसला 1 हफ्ते के अंदर हल नहीं हुआ, हमने ये नहीं किया चाहते कि पूरी 24 घंटे बिजली मिले, हमने कहा ही नहीं, हमने एक्सिन साहब से यही कहा है और हमने तहसीलदार साहब से यही कहा है कि आप कट कीजिए 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, लेकिन बाकी तो जो बिजली आनी चाहिए वो तो रेगुलर आनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग में शहीद हुए सैनिकों को आज देश भर में याद किया जा रहा है। वहीं शहीदी दिवस के अवसर पर आज पुंछ के मेंढर इलाके में सेना ने कार्यक्रम का आयोजन कर इन शहीदों को नमन कर देश के लिए उनके द्वारा दी गई कुर्बानियों को याद किया। वहीं सेना की रोमियो फोर्स द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कुछ पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। ये शहीदी दिवस जो हम जिस वक्त हम छोटे छोटे थे उससे बनाते आ रहे थे, लेकिन तो आज भी जो आर्मी ने ये बनाया हमें बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि ये आइंदा भी इसी तरह ये प्रोग्राम मुनक़द करते रहेंगे और हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इसी तरह हम भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है, हमें उन पर फख्र है और उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम इसी तरह हर साल मनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पल्ली दौरे से नाखुश पीडीपी ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि पीएम के कार्यक्रम के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर की झोली खाली है। वहीं पीडीपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीएम से समाज के कई वर्ग बेहद उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन आखिरकार उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हमारे तबके थे, खासतौर हमारे डेली वेजर थे, हमारे नौजवान थे, NLHM के एम्प्लाई थे, आशा वर्कर थे, हमारे पहाड़ी भाई थे, कश्मीरी पंडित समाज का रिफ्यूजी थे, ट्रांसपोर्टर थे, सबको ये उम्मीदें थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे लिए एक पैकेज लेके जाएंगे। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज एक बार दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के लोगों के साथ धोखा किया, जम्मू के लोगों के साथ अन्याय मैं कहूँगा किया गया, कि जम्मू के लोगों की जो अपेक्षाएँ थी, जो जम्मू के लोगों को उम्मीदें थी, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिली और प्राइम मिनिस्टर साहब बिना कुछ जम्मू कश्मीर को अनाउंस किए यहाँ से वापस चले गए। तो मैं आज आपके माध्यम से LG एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी वे अपील करना चाहते हैं कि आपने जो किया, जो आपने जो 2 दिन पहले आप यहाँ आए और आपने करोड़ों रुपया सरकार का खर्च करके सरकार की मशीनरी वहाँ पर लगा करके, लेकिन जम्मू के लोगों के साथ आपने दोबारा धोखा किया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू ने आज अपना 35वां दीक्षांत समारोह मनाया और इग्नू के जम्मू रीजनल सेंटर में भी आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 80 स्टूडेंट्स को विभिन्न विषयों की डिग्रियां प्रदान की गई और वहीं स्कॉस्ट जम्मू के VC प्रोफेसर JP शर्मा इस मौके पर मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने इन स्टूडेंट्स को उनकी डिग्रियां प्रदान कर उनकी पीठ थपथपाई। वहीं जम्मू रीजनल सेंटर के इंचार्ज रीजनल डायरेक्टर डॉ विक्रम सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। यहाँ करीब 80 बच्चे थे, जिसमें BSc के भी थे, BA के भी थे, BEd के भी थे, MSc थे, MCA थे, तरह तरह की जो डिग्रियां हैं वो दी गई। बड़ा अच्छा लगा बच्चों से मिलके और उनसे कुछ चर्चा भी की, आगे उनका क्या विचार है, क्या बनना चाहते हैं। हमने भी उनको कहा कि ये जो समय चल रहा है ये स्किल डेवलपमेंट का चल रहा है और इसमें हुनर होना बहुत ज़रूरी है। अभी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी ये जोर दिया गया है कि हम अपने छात्रों को जॉब सीकर न बनाएं, उनको जॉब प्रोवाइडर बनाएं, जॉब क्रिएटर बनाएं, यानी कि उनमें ऐसी क्षमताओं का विकास करें, ऐसी स्किल्स का विकास करें कि वो कोई अपना उद्यम लगा सकें और उद्यम में खुद तो रोज़गार मिले ही और भी बच्चों को और भी लोगों को उसमें रोज़गार दे सकें। सिंबल पंचायत
पंचायत के सरपंच सरदार रविंदर सिंह ने आरएसपुरा स्थित बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल आरएसपुरा के प्रिंसिपल अजय कुमार पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। रविंदर सिंह का आरोप है कि अजय कुमार शिक्षा विभाग के कामकाज में लगातार बाधा बने हुए हैं और मुलाजमों को भी बेवजह प्रताड़ित कर रहे हैं। वे रविंदर सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजय कुमार पर ये आरोप लगाए। जी, आज का मसला है ये जो प्रिंसिपल है ना अजय कुमार जी शर्मा बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल आरसपुरा में तैनात हैं, तो उसके मतलब है ये राइट फ्रॉम बिगनिंग जब से इसकी अपॉइंटमेंट हुई है तब से ही ये प्रॉब्लम क्रिएटर है डिपार्टमेंट में। कहीं सस्पेंड होता है तो इसको बारने के साथ री इंस्टेट किया जाता है। उसके बाद ये खोड़ हायर सेकेंडरी स्कूल में जाता है, वहाँ दो लेक्चरर्स की जो है वो सर्विस बुक को वो अननेसेसरी उसको ऊपर रेड एंट्री करता है। उसकी एक डीसी कुंडल लेक्चरर थे, उनकी पे बंद कर देता है, 13 महीने से उसकी पे बंद रही। अब उसने वो कैट में जाकर इंक्वायरी करवाई, अनुराध गुप्ता मैडम थी हमारी डॉक्टर, उन्होंने ऑर्डर किया इसकी पे निकालो, उसको डिसवे किया। कहने का मतलब है कि डिसवे करता है और हर वक्त डिसवे करता है। जितना भी इसके साथ लगाया हुए हमने ऑर्डर वगैरह वो आपके सामने हैं। तो ये बच्चों से गाड़ियाँ क्लास 4 से अपनी गाड़ी डलवाता है, सोफे डलवाता है और ऊपर वाले का ऑर्डर डिसवे करता है, जो नीचे वाले हैं उसको अंडर जैक बूट रखता है। जैसे कि अभी हमारे सेक्टर में जम्मू का जीएमसी अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। जम्मू जिले के अलावा इस अस्पताल में संभाग के अन्य जिलों के मरीज भी इलाज के लिए आते हैं, लेकिन इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद भी यहां पर मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां आने वाले मरीजों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं जम्मू के जीएमसी अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर की। गंभीर स्थिति में इलाज के लिए यहां पहुंचने वाले मरीजों को जांच के लिए इमरजेंसी या फिर वार्ड में ले जाने के लिए यहां पर ट्रॉलियां रखी गई हैं। लेकिन यहां पर एक भी व्हीलचेयर मौजूद नहीं है। व्हीलचेयर ना होने के कारण दिव्यांग, बुजुर्ग और भारी वजन वाले मरीजों को जांच के लिए ले जाने में तीमारदारों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। व्हील चेयर की बात, और कुछ ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं, दिव्यांग भी आते हैं, सीनियर सिटीजन भी आते हैं, और कईयों का वेट बहुत ज्यादा होता है और इस ट्राली का हाइट भी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि कभी कभी हमने देखा है जहाँ पे कि एक पेशेंट को उठाने के लिए 4 से 6 लोग चाहिए होते हैं, तब बड़ी मुश्किल से उसको ट्राली के ऊपर लिटाया जाता है। तो जहाँ पे व्हील चेयर क्यों नहीं है, और इन्होंने अपनी तरफ से तो देनी या नहीं देनी है, अभी तक तो हमें नहीं लगा कि इमरजेंसी के बाहर कोई व्हील चेयर इन्होंने रखी है। खासकर व्हील चेयर जो है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। आप इमरजेंसी में चले जाएँ, यहाँ पर आपको दूसरी वो मिल जाएंगी, लेकिन व्हील चेयर बिल्कुल यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो जैसे कोई एज होता है, जहाँ कोई सीरियस ऐसे है जो लेट नहीं सकता, लेटने से समस्या है, तो ऐसे पेशेंट के लिए कम से कम एक व्हील चेयर का यहाँ पर होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, ट्रॉलियाँ यहाँ पर मिल जाएंगी, उसका ढेर लगा हुआ है, लेकिन व्हील चेयर उसका रुख करने के लिए लोगों को जो है वो वहाँ पर ओपीडी की तरफ जाना पड़ता है। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि संडे को ओपीडी जो है बंद होती है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल की ओपीडी के बाहर व्हीलचेयर की सुविधा जरूर रखी है, लेकिन जहां सबसे अधिक व्हीलचेयर की जरूरत है वहां पर अस्पताल प्रशासन ने ये सुविधा मरीजों को उपलब्ध ही नहीं करवाई। ऑफिशियली बात करेंगे इनसे, कोई इंटरव्यू लेंगे तो ये कहेंगे कि जो इमरजेंसी में जो पेशेंट आता है वो इमरजेंसी होती है, उसको लिए व्हील चेयर की जरूरत नहीं होती। ओपीडी में जो पेशेंट आता है उसको मतलब कि नॉर्मल पेशेंट आता है, ओपीडी करनी होती है, वहाँ पे व्हील चेयर हमने रखी होती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक वीआईपी के दौरे के दौरान अस्पताल प्रशासन द्वारा इमरजेंसी के बाहर व्हील चेयर के साथ साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी रखा जाता है।
यही नहीं, उस समय ट्रॉलियों को सफेद चादरें भी रखी जाती हैं, लेकिन वीआईपी के दौरे के बाद ये सब चीजें उठा ली जाती हैं। वीआईपी आना होगा तो वहाँ पे व्हील चेयर भी होती है, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी होता है, वो जो ट्रॉली होती है उसके ऊपर चादरें भी पड़ी होती है। लोगों के मुताबिक जब भी व्हीलचेयर को लेकर मीडिया में खबरें आती हैं तो अस्पताल प्रशासन इमरजेंसी के बाहर व्हीलचेयर मरीजों को उपलब्ध जरूर करवाता है, लेकिन समय बीत जाने के बाद प्रशासन फिर उन व्हीलचेयर्स को इमरजेंसी के बाहर से उठा लेता है। संडे को इमरजेंसी में जब कोई आदमी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या कोई सीरियस इंजरी कहीं हो जाती है तो वो लोग जो हैं यहाँ इमरजेंसी में आते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल व्हील चेयर की जो है वो सुविधा नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से ये प्रशासन को, खासकर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्लीज़ कोई व्हील चेयर का अरेंजमेंट करें। मरीज इस अस्पताल में अपने दर्द का इलाज करवाने आते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन बेहतर सुविधा उपलब्ध ना करवाकर उनके इलाज की बजाय मरीजों के दर्द में इजाफा करने का काम कर रहा है। जीएमसी से राजकुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की मुहिम रंग लाने लगी है। वहीं जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में अभी तक 100 से ज्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं और इन केंद्रों के खुलने से मरीजों और उनके तीमारदारों को अब दवाइयों के लिए अपनी जेब ज्यादा ढीली नहीं करनी पड़ रही है। वहीं बाजार के मुकाबले इन केंद्रों में दवाइयां 50-90% तक सस्ती हैं और इनके खुलने से खासतौर पर उन लोगों को लाभ मिल रहा है जो गुर्बत की वजह से अपना इलाज नहीं करवा पाते थे या फिर अधर में ही छोड़ देते थे। एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पेशेंट लोड है और जो जितनी भी टर्शरी केयर और दवाइयों की जो कंजम्पशन है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही है, तो मरीज़ों को और भी आसानी के लिए और इन केंद्रों में जो अवेलेबल ड्रग्स होने वाली हैं मॉलिक्यूल्स कोई 1000 तक शुरुआत में ही हो जाएंगे। ये क्वालिटी टेस्टेड ड्रग्स होंगी सारी और सस्ती भी होंगी। ऐसा ना समझा जाए कि दवाई सस्ती है तो घटिया है, बिल्कुल जो हमारी ड्रग टेस्टिंग लैब्स एक्रेडिटेड हैं उनसे ये सारे मॉलिक्यूल्स टेस्ट कराए जाते हैं। ये बिल्कुल उम्दा उत्तम क्वालिटी की दवाइयां हैं और अफोर्डेबल रेट्स पे हैं, तो ये घर घर जो है इलाज पहुँचा दस्त तक जिसको कह सकते हैं, या हेल्थ केयर डिलीवरी हमारे डोर स्टेप्स पे पहुँचाने की जो हमारी ओवरऑल पॉलिसीज हैं, नेशनल पॉलिसीज, ये भी एक कड़ी और जुड़ गई है जिसमें अफोर्डेबल दवाइयाँ गरीब लोग का और या मध्यम वर्ग के जो लोग हैं दवाई अफोर्ड भी नहीं करते थे, इलाज अफोर्ड भी नहीं करते थे, ये दवाइयाँ मार्केट रेट से 50-90% तक सस्ती हैं, काफ़ी कम रेट्स पे हैं और टेस्टेड क्वालिटी है, तो इससे जो है इलाज जो है हर एक के लिए पॉसिबल हो जाएगा और अफोर्डेबल हो जाएगा। तो अभी तो पहले तो हम गवर्नमेंट का और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये जन औषधि के काउंटर्स खोले हैं हर हॉस्पिटल्स के अंदर, और इसका लाभ तो मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा पेशेंट्स को जाएगा, क्योंकि जो रेट्स हैं इनके मार्केट को कंपेयर करके वो तो बहुत पेशेंट्स के लिए बहुत अफोर्डेबल हैं, वो हर कोई परचेज कर सकता है, गरीब उस बहुत ज़्यादा गरीब आम आदमी, तो ये दवाई आपको 100, 110, 120 रुपए से ऊपर मिलेगी, बट यहाँ आपको मात्र ये पता 20 रुपए में मिलेगा। पैंथर्स पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी की पल्ली रैली के आयोजन पर सवाल उठाते हुए सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पैंथर्स पार्टी ने आज इस मुद्दे को लेकर जम्मू में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने एक सियासी दल के कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित किया है और जनता द्वारा टैक्स के रूप में दिए गए पैसे का भी दुरुपयोग किया गया है।
अभी हाल ही में जो रैली हुई है नरेंद्र मोदी जी की, उसमें न केवल मुलाजमों को जबरदस्ती पार्टिसिपेट करवाया गया, बल्कि जो मुलाजम वहां नहीं पहुंच सके किसी कारणवश, किसी मजबूरी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको हैरास किया जा रहा है। हकीकत यह है कि ये एक पॉलिटिकल रैली थी, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के झंडे हर जगह फहराए जा रहे थे, सियासी तकरीरें हुई इसमें, और अगर ये ऑफिशियल फंक्शन होता तो भारतीय जनता पार्टी के झंडों के बजाय राष्ट्रीय ध्वज हर जगह फहराया जा रहा होता। स्पेयर मनी के साथ एक लूट हुई है इस रैली के माध्यम से, वो यहाँ के लोग जो हैं वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आज सिचुएशन ये हो गई है कि लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं, और महंगाई का दौर है, बेरोजगारी का दौर है, और ऐसे वक्त में इतने बड़े पैमाने के ऊपर टैक्स पेयर मनी को एक पॉलिटिकल रैली के लिए इस्तेमाल करना सरासर गलत है, सरासर निंदनीय है। बिश्नोई में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, वहीं चोरों को कानून का भी कोई भय नहीं है और ना ही पुलिस का कोई खौफ है। आए दिन चोर पुलिस की नाक तले चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। आज भी बिश्नोई के गांव सुल्तानपुर और इसके आसपास के इलाकों में चोरों ने चोरी की 4 घटनाओं को अंजाम दिया है और जिनमें से एक धार्मिक स्थल भी शामिल है। वही गुस्साए ग्रामीणों ने इन घटनाओं के खिलाफ आज बिश्नोई बड़ी ब्रह्मणा सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। और प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि देवस्थान को चोरों ने चौथी बार अपना निशाना बनाया है, लेकिन अभी तक पुलिस चोरों को कोई नहीं पकड़ पाई है। और ग्रामीणों द्वारा सड़क बंद करने से करीब 2 घंटों तक यातायात प्रभावित रहा, जिसके बाद एसडीपीओ सुरेंद्र सिंह के आश्वासन पर उन्होंने प्रदर्शन खत्म किया। ਪਹਿਲੇ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੇਵਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਬੂਆ ਕੰਜਕ ਦੇਵੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰ ਬੜਾ ਅਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 4 ਤਾਲੇ ਤੋੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾ ਲਾਇਆ ਦਾ ਉਸ ਗੱਲੇ ਕੀ ਵੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੇਲਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਚਿੱਪ ਕੱਢੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਿਕਚਰ ਰਾਵਾ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਰੀ ਕੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਦਰ ਪਕੜ ਕਰੋ, ਚੋਰੀ ਪਕੜੋ ਨਹੀਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਉਹ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਟਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਛੱਪੜੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, 4th ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਈਏ, 50-50 ਬੰਦੇ ਜਾਈਏ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ 50,000 ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ, ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਆ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋੜੀ, ਇਹ ਬੇਚਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਬੇਚਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੇ ਘਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿਖਾਦੀ ਹੈ? ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਭੀ ਕੇ ਲੀਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੇਂ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਦੀਜੀਏ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਮਸਕਾਰ।